हेलो बच्चा बाल्टी, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल रोहित खेर फिजिक्स में। बात करने जा रहे हैं एग्जांपल 4.3 की। देखते हैं स्टेटमेंट में क्या दिया है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ पाथ, भाई रेडियस फाइंड करनी है तेरे को। व्हाट इज द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन की बात है। इलेक्ट्रॉन के लिए मास और चार्जेस थारे को दे दिए। अगर ये चीज तेरे को नहीं दी होगी फिर भी तेरे को पता होनी चाहिए भाई, ये चीज हर बार दी गई होगी ऐसा कंपलसरी नहीं है भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये पता होना चाहिए थारे को। मूविंग एट अ स्पीड, स्पीड तेरे को दी गई है। मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है वो भी तेरे को दिया है। परपेंडिक्यूलर टू इट, पता है ना भाई, इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड की डिरेक्शन में ही जाए तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि पता है थारे को F is equal to होगा Q V cross B। सपोज ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल V जितनी वेलोसिटी से B जितने मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, अगर ये दोनों सेम डिरेक्शन में, मतलब B जिस पॉजिटिव X में है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव X में है, तो क्या होगा, तो ये दोनों के बीच का एंगल होगा जीरो। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो आएगा साइन जीरो, एंड साइन जीरो गिव्स यू वन, ठीक है। लेकिन अगर परपेंडिकुलर है, देख यहाँ पे दिया है तेरे को परपेंडिकुलर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या परपेंडिकुलर उसकी वेलोसिटी है, तो क्या हो जाएगा, जो फोर्स होगा वो हमेशा कहाँ पे लगेगा भाई, इसके परपेंडिकुलर लगना है, तो यहाँ पे एंगल बनेगा पाई बाई टू। एंड थियोरिकल फंडा में सर्कुलर मोशन में सीखिए, अगर परपेंडिकुलर होगा तो वो रोटेट होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो वो जो रोटेशन में मोशन करेगा, जो वो सर्कुलर पाथ अपना लेगा रोटेशन, उसकी थारे को रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है। एक और चीज थारे को दी है कि भाई व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, रेडियस फाइंड करने के बाद थारे को फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है एंड उसकी एनर्जी। फ्रीक्वेंसी के बाद उसकी एनर्जी, एनर्जी फाइंड करनी है, वो है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। इतनी बातें दी गई है, देखते हैं आगे आगे, कोई दिक्कत नहीं ना स्टेटमेंट में, तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो सबसे पहले रेडियस की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कोई सा भी मोशन अगर सर्कुलर मोशन में है भाई, ठीक है, सर्कुलर मोशन में, तो क्या होगा भाई, सर्कुलर मोशन वो तभी कर पाएगा जब एक फोर्स उसके सेंटर की ओर लगे, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स एमवी स्क्वायर अपॉन आर। ये कंपलसरी है, ये लगना ही चाहिए। अगर एमवी स्क्वायर अपॉन आर जितना फोर्स उसके सेंटर की ओर नहीं लगा तो वो बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन में नहीं कर सकती, ठीक है, वो बाहर निकल जाएगी। एमवी स्क्वायर जितना इससे कम हुआ तो वो अपना रास्ता है वो छोड़ दे। तो यहाँ पे जो भी भाई सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एमवी स्क्वायर अपॉन आर, वो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कोई रस्सी बांध के उसको खींच नहीं रहा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है मैग्नेटिक फोर्स। तो जो भी भाई सेंट्रीपिटल फोर्स है रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर एफसी, एफसी माने क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स, इज जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन है, रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स इज और कोई नहीं है, वो कौन है, वो सिर्फ है मैग्नेटिक फोर्स एफबी। मतलब एफसी जितना सेंट्रीपिटल फोर्स कितने जितना होगा, एफबी जितना होगा, तो यू कैन सिंपली राइट जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ओवर एफबी होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। क्योंकि एफसी देखिए एमवी स्क्वायर अपॉन आर कंपलसरी होना ही चाहिए, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे तो खींच तो नहीं रहा ना, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की भी बात, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स ही है। तो मैग्नेटिक फोर्स काम करता है एफसी जितना, यहाँ पे तो लिख सकता है, ये थियोरिकल फंडा ये आ गया है, ठीक है। लेकिन इक्वेशन मेरे को रट्टा फिक्सेशन ना करना पड़े, इसमें थोड़ा सा थियोरिकल बेस भी उठाते हैं। एफसी की वैल्यू होगी एमवी स्क्वायर अपॉन आर, एफबी मैग्नेटिक फोर्स, क्यू जितने चार्ज इस पे होगा क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है, पता है ना। यहाँ पे ऐसे लगते हैं एमवी स्क्वायर अपॉन आर क्यू, माने यहाँ पे चार्ज कौन है, यहाँ पे चार्ज कौन है, देख यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, कौन है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज पार्टिकल कितना है, तो भाई ई जितना, वी क्रॉस प्रोडक्ट है तो वी बी साइन थीटा, एंगल कितना होगा वी एंड बी के बीच में, यहाँ पे देखना परपेंडिकुलर की बात है, मतलब एंगल होगा वी एंड बी के बीच में पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू की वैल्यू पता है ना खाले को, साइन पाई बाई टू गिव्स यू वन, साइन पाई बाई टू की वैल्यू होगी वन। यहाँ से कुछ कट हो रहा है देखना, यहाँ से हाँ एक एक वेलोसिटी भी कट हो रही है। फिर को चाहिए रेडियस, आर को तो सब्जेक्ट बना डाले यहाँ से, अगर आर को तो सब्जेक्ट बनाएगा यू विल गेट आर इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई ई डी, ठीक है। एम वी सारी की सारी वैल्यू क्या तेरे पास है देखना, मास दिया है तेरे को, मास है भाई जो कि पता ही होना चाहिए, ठीक है, मास है, वेलोसिटी भी है तेरे पास, स्पीड आ है, चार्ज है एंड मैग्नेटिक फील्ड है, सब कुछ है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एम 9.1 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 31,
वेलोसिटी कितनी है तेरे पास 3×10^7 डिवाइडेड बाय चार्ज 1.6×10^-19 है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी दिया तेरे को 6×10^-4 टकला, ठीक है टेस्ला। चलो इसका अगर तू सिंपली कैलकुलेशन करेगा यू विल गेट योर आंसर 2.8 इसका, ठीक है इसका आएगा 2.8। एंड जो भी पावर का अगर तू करेगा -31+7+19+4 यू विल गेट 31+7+19+4 यू विल गेट -1 तो यू विल गेट आंसर योर 0.28 मीटर। ये हो गई तेरे रेडियस, इसको तू सेंटीमीटर 0.28 मीटर है तो यू कैन सिंपली राइट 28 सेंटीमीटर ऐसा भी तो लिख सकता है ना, कोई दिक्कत वाली बात। यहाँ पे भी तो अपना आंसर खत्म कर सकता है, यहाँ पर भी तो अपना आंसर खत्म कर सकता है। तो ये बात हो गई रेडियस की। आगे जाते हैं बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी में तेरे को क्या करना पड़ेगा देख, चलो अगर फ्रीक्वेंसी की ओर चल यहाँ पे देख फ्रीक्वेंसी तो कैसे फाइंड करेगा। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए तेरे पास थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा भैया, सर्कुलर मोशन है देख सर्कुलर मोशन, ठीक है तो उसकी वेलोसिटी तेरे पास है, सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी तेरे पास है तो वेलोसिटी का एक इक्वेशन, स्पीड का इक्वेशन पता है तेरे को क्या है, डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है जितना भी डिस्टेंस कवर करता है उसके नीचे कितना टाइम लगता है वो। अभी सोच यहाँ पे सोच तू फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेगा, सोच वन राउंड वो खत्म करता है, एक सर्कल खत्म करता है तो एक सर्कल खत्म करने के लिए जितना टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड, पता है ना एक रिवॉल्यूशन के लिए जितना टाइम लगे उसे हम क्या बोलते हैं टाइम पीरियड। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू यहाँ पे एक सर्कल, एक सर्कल एक रिवॉल्यूशन माने 2πr, ठीक है 2πr जितना उसने डिस्टेंस कवर किया डिवाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड कितना होगा टाइम पीरियड जितना। तो कैपिटल डी तेरे पास होगा तो न्यू टू फाइंड कर सकता है ना, न्यू क्या है टाइम पीरियड का उल्टा भाई इनवर्स, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है देख लॉजिक लगा अपने हिसाब से। सेकंड इसलिए अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी के बारे में, अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी न्यू कैसे फाइंड करेगा फ्रीक्वेंसी न्यू, वी नो दैट अपन लोग सब कुछ जानते हैं भाई, अगर तूने अपने आगे वाले से कॉपी किया फिर भी लिखने का तो क्या है वी नो दैट, ऐसा नहीं लिखना भाई आगे वाला जानता है कि नहीं भाई अपन नहीं जानते, सब कुछ अपन जानते हैं। वी नो दैट वेलोसिटी वी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, ठीक है जितना भी सॉरी टाइम पीरियड नहीं जितना भी टाइम लगता है डिस्टेंस कवर करने के लिए वो। अगर यहाँ पे तो सपोज डिस्टेंस जो भी उसने कवर किया वो तू ले ले वन रिवोल्यूशन मतलब 2πr जितना, आर तेरे पास यहाँ पे है देख लेना, ठीक है आर तेरे पास है यहाँ पे जितना उसने 2πr जितनी रेडियस होगी सॉरी 2πr जितना पीरियड जो भी डिस्टेंस कवर करता है उसके लिए टाइम कितना लगेगा कैपिटल टी जितना। यहां से कैपिटल टी को अगर तू सब्जेक्ट बना तो कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल टी इज इक्वल टू होगा 2πr डिवाइडेड बाय वी। अभी टी का तू इनवर्स कर, टी का इनवर्स अगर तू कर, टी का इनवर्स अगर तू कर 1/t कर तो 1/t इज इक्वल टू क्या होगा, वो होगा थारा ये फ्रीक्वेंसी न्यू। तो यू विल गेट योर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम हियर, इसका उल्टा कर देते हैं टी न्यू हो जाएगा वी अपॉन 2πr। वेलोसिटी कितनी है तेरे पास, वेलोसिटी है 3×10^7 3×10^7 डिवाइडेड बाय 2πr मल्टीप्लाई बाय आर, आर कितना है आर है 0.28, ठीक है कर अपने हिसाब से कर क्या आता है आंसर मेरे को बता जल्दी से बता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तू कैलकुलेशन करे तो यू विल गेट योर आंसर लाइक 1.7 समथिंग आएगा तेरे को 10^7 न्यू है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी हर्ट्ज, ठीक है इसको तो इस तरह से भी लिख सकता है न्यू इज इक्वल टू 710^10^6। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 10^6 होगा वो हो जाएगा तेरे लिए मेगा, तो यू विल गेट योर न्यू 17 MHz। दिस इज योर आंसर। यहाँ पे ध्यान रखना भाई टेक्स्ट बुक में भाई थोड़ी सी एरर हो सकती है, यहाँ पे वो लोगों ने 0.26 बताया लेकिन रियल में 0.26 नहीं आता 0.28 आता है, यहाँ पे वो लोगों ने 20 के करीब बताया लेकिन 20 के जितना नहीं आता 17 आता है, तो देख लेना अपने हिसाब से, ले ले स्क्रीनशॉट, इतना ले ले स्क्रीनशॉट, उसके बाद अभी भी एग्जांपल बाकी है वो देखते हैं भाई एनर्जी की बात करते, इतना स्क्रीनशॉट ले ले फटाक से। आइला जादू ये कहां से आ गया, ठीक है चलो भाई बात करते हैं उसकी एनर्जी की जो कि लास्ट वाला है
टॉपिक है, व्हाट इज दी सॉरी कैलकुलेट एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था रखो, एनर्जी फाइंड करने को बोला गया। यहाँ पे देख, एनर्जी मतलब यहाँ पे भाई रोटेशनल मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन को इलेक्ट्रॉन पार्टिकल कोई भी कर रहा है तो उसके पास एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन था देखो पता है भाई क्या होगा, k is equal to 1/2 mv square। ये मैंने लिख लिया क्योंकि भाई सिंपल सी चीज है, कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, आपका टाइम बचे इसलिए 1/2 mv square सारे के सारे तू वैल्यू पुट कर, m v v का स्क्वायर कर, यू विल गेट आंसर लाइक दिस। लेकिन ये जो आंसर होगा ये आंसर थारे को मिलेगा जूल में मिलेगा, कहां पे मिलेगा जूल में। लेकिन यहाँ पे वो लोगों ने भाई स्पेसिफिक कर ही दिया है भाई तेरे को कैलकुलेट एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले तो जूल में से तू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जा, जूल में से तू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तू कैसे जाएगा, जूल में से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना यहाँ पे तू देख इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रिक यहाँ तो ई लिख रहा है ना, तो मैथ्स वाले तेरे को ई ऐसा नहीं लिखना देगा जी, यहाँ पे तो ई लिखता है तो वही ई से तू उसको डिवाइड भी कर दे, ये शॉर्टकट रहते याद रखने के लिए। यहाँ पे तो ई लिख रहा है तो ई से ही उनको डिवाइड कर दे, ई से डिवाइड मतलब क्या 1.6 × 10⁻¹⁹ यहाँ पे तेरे को दे दिया, लेकिन ये हर बार नहीं दिया होगा भाई, ठीक है याद ही रखना। जूल में से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए ई का जो भी चार्ज जो भी 1.6 × 10⁻¹⁹ उससे क्या कर लेना डिवाइड, ठीक है। तो ये बन गया तेरे लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन आंसर तेरे को चाहिए किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे जाएगा, किलो माने क्या है 10⁻³। यहाँ पे देख 10⁻² तो है, कुछ जुगाड़ करके इसको 2 को 3 बना दे, 3 कैसे बने भाई, एक को यहां से पीछे की ओर ले ले, ठीक है यहां से कोई जैसे पीछे यहां पे आएगा 10⁻³, 10⁻³ बन जाएगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले ले, बात करते खत्म आगे की ओर जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। सब कुछ चमक गया तो भाई क्या करना पता है ना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन भी दबाना और अपने दोस्त लोग के साथ भी शेयर करना, ठीक है, थैंक यू।